गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में भी आपको हिप हॉप का अपडेट दूंगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। तो मेरा आवाज बहुत लो आ रहा होगा क्योंकि मेरा गले में थोड़ा इन्फेक्शन हुआ है, आप लोग प्लीज थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे नैस भाई के बारे में। तो नैस भाई अपने इंटरव्यू के अंदर एमसी स्टैन भाई के बारे में, कृष्णा भाई के बारे में, एमए भाई के बारे में बात करे थे, तो आप लोग खुद ही वीडियो देख लो। वो ऐसा था कि ब्रो पब्लिक कुछ भी बोल रही थी, मतलब समझ रहे हो, अभी पब्लिक नहीं बोलूंगा मैं, खासकर वो एक स्पेसिफिक आर्टिस्ट है जिसकी फैंस है, जिसके फैंस है उनको तो ऑब्वियसली बुरा लगेगा भाई, क्योंकि उनके लिए तो मतलब भगवान ही है, भगवान से बढ़के, माँ बाप से बढ़के, सबसे बढ़के, तो जो भी है ठीक है। अपने वो करने का रहता तो बहुत पहले कर दिए रहते, अपने बहुत सी चीजें थी, बहुत टाइम था करने के लिए, ऐसा नहीं था कि अनिवन पैंथर को भी पता है कि हमने ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया था ब्रो कि इस पे किसी पे शॉट्स लेना है कुछ लेना, अगर ऐसा रहता तो पैंथर भी किसी पे शॉट्स ले लिया रहता, हाइप करने ऑब्वियसली हाइप के लिए वैसा कुछ। इट्स जस्ट के कुछ चीजें हुई मेरे साथ और मेरे पास आई बीट और मेरे से निकल गया ब्रो, मैंने वो गाने में भी लिखा इतना कब लेकर डैम मुझे होश, क्योंकि लिटरली होश नहीं था ब्रो, मैं कोई हेट या वो सब नहीं, हेट है अभी तो है ब्रो, अभी तो मतलब उसके फैंस के वजह से ब्रो है ठीक है, मतलब उसके फैन मेरे को जितनी हेट ऐसा कभी किसी के लिए रही नहीं, लेकिन एक बोलते ना हेट नहीं बोलूंगा, लेकिन एक ना मेरे दिल में अभी वो हो गया कि मतलब मैं कभी नहीं चाहूंगा कि अभी इस बंदे के साथ मेरा अच्छा हो जाए, कभी भी कुछ भी हो गया तो ठीक है, वो अभी है मेरे साइड से, और वो उसके वजह से नहीं है, लाइक तुम्हारे वजह से नहीं है भाई ठीक है, तो अगर मैं तुमको तुम्हारे साथ मेरा कुछ पंगा तो तुम्हारे वजह से नहीं, तुम्हारे जो लोग है जो तुम्हारे लिए बातें कर रहे हैं उनके वजह से मेरा परसेप्शन तुम्हारे लिए वैसा बन गया कि अभी तो भाई इससे करना ही नहीं, कर रहा था बिग बॉस जीता था अभी तारीफ कर रहा था अभी डिस कर, ये क्या सेंस होगा, अगर अच्छा काम करेगा तो बोलूंगा ना भाई अच्छा है, मैं तो अभी भी बोलता हूँ कुछ गाने अच्छे कुछ गाने वैक है, कुछ गाने मेरे को पसंद नहीं तो नहीं पसंद ब्रो, मेरे भी कुछ गाने अच्छे रहेंगे, बहुत कम गाने रहेंगे जो अच्छे रहेंगे, सारे वैक रहेंगे ठीक है, तुम लोग के पर्सपेक्टिव से जो भी है। फिर वो वीडियो भी आया था ना वो कश्मीर वाले इवेंट का कि मीम्स वीम्स बनाने लग गए उसकी साइड से पब्लिक, पहले तो ब्रो वो समझता नहीं ये लोग का IQ किधर तक पहुंचता है, कितना मतलब क्या है ये लोग का, क्योंकि वो लोग लिटरली ये चीज ऐसा दिखा रहे कि पहले तो उसके गानों पे वाइप कर रहा था और अब तो डिस कर रहा है, अरे भाई मैं तो अभी भी वाइप करूंगा, अगर अच्छे गाने बनाएगा तो करूंगा वाइप, मेरे को क्या उसके गानों से प्रॉब्लम नहीं है, वो जिस तरह का इंसान है मेरे को उससे मतलब नहीं, मेरे को कुछ चीजें बोलनी भी नहीं और कुछ चीजें मेरे को पट्टी नहीं है, तो कर दिया ब्रो क्लियर क्या ही कर। साथ ही उनसे एमवी और कृष्णा के बीच में चूज करने के लिए कहा जाता है तो वो कुछ ऐसा कहता है। और एक क्वेश्चन है कृष्णा और एमवी अगर कोलैब करना, टू बी वेरी ऑनेस्ट जो गाना अच्छा रहेगा, लाइक अगर एमवी ने गाना भेजा कृष्णा ने भेजा है, समझो एक सिचुएशन बता रहा, ऐसा होगा नहीं दोनों एक साथ भेजेंगे, लेकिन बता रहा दोनों ने एक साथ गाना भेजा है एंड मेरे हाथ में किस पे करना है, तो अगर जो गाना अच्छा रहेगा उस पर मैं करूंगा, अगर एमवी का गाना ज्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को तो उसमें जाऊंगा वरना कृष्णा, सो ये तो है क्योंकि दोनों मेरे लिए एक अच्छे आर्टिस्ट है, उनका जो भी आपस में अपने को उससे लेना देना नहीं है, बाकी सही है। तो चलिए अभी हम लोग बात कर लेंगे लोका भाई के मैनेजर के बारे में। तो उन्होंने दो स्टोरी लगाए थे, तो पहला स्टोरी पे लिखे थे 5 steps to be like karma, trash talk online, hide your face and roam around the city, 24/7 paranoid, 99% lesser chances of career growth if no poking or dissing in every release, no business ethics for people working with him, shh, we know where you have F up things. उसके बाद लिखे थे hey karma, since you like to trash talk so much online, let's take it to the real world. Boxing MMA with local, train for 3 months, will make you a nice business model too. You will get paid even if you lose, which you will. But you will never accept this real life deal. Open invitation to become a man of your word, or at least try to. तो अभी देखते हैं कर्मा भाई के तरफ से कोई reply आता है या फिर नहीं। बाकी आप लोगों का इस पर ओपिनियन क्या है कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए अभी हम लोग बात कर लेंगे एमए भाई के बारे में। तो एमए भाई का जो ट्रैक आने वाला था फॉर यू का रिमिक्स वो आ चुका है, जिसका एक ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो भी आया है सरप्राइजिंगली, जिसका लिंक आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके चेक कर लेना, और आप लोगों को ये ट्रैक कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए अभी हम लोग बात कर लेंगे रायचू भाई के बारे में। तो रायचू भाई भी दो स्टोरीज लगाए थे कर्मा भाई और लोका भाई के इस मैटर पर, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो पॉज करके पूरा स्टोरी पढ़ सकते हो। सो गाइस इस वीडियो में तो इतने ही, मिलता है सर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।